सोनू आजमी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अंधेरी विधानसभा। मेरे भाई, जैसा कि आप जानते हैं, देश में लॉकडाउन की वजह से बहुत लोग जो गांव से शहरों में कमाने के लिए गए थे फंस चुके थे, जिसके वजह से बहुत तकलीफें हो रही थी। इसी के चलते प्रियंका गांधी ने दिहाड़ी मजदूरों के लिए सरकार से गुहार लगाई थी कि उनकी मदद करे सरकार, उनको अपने घर तक पहुँचाए। मैं प्रियंका गांधी के इस बयान को बहुत सम्मान करता हूँ, लेकिन मैं उनसे बात पूछना भी चाहता हूँ कि आपने इन मजदूरों के लिए तो आवाज़ उठाई, लेकिन जब ये भाजपा सरकार और मीडिया मरकज की तोहिन कर रहे थे, मरकज के लोगों पर इल्जाम लगा रहे थे कि उन्होंने कोरोना वायरस फैलाया है, तब आपका ये बयान कहाँ गया था? तब आप कहाँ गई थी? या वो कांग्रेस के सेकुलर चेहरे कहाँ गए थे जो अपने आप को वोट लेने के लिए मुसलमानों घर घर आते हैं ये बोल के कि हम सेकुलर, हम आपकी रक्षा करेंगे, हम आपकी देखभाल करेंगे? तब वो कांग्रेसी कहाँ थे? किसी ने कांग्रेस ने तुम्हारे इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई? अगर मरकज के खिलाफ, मरकज के हित में अगर किसी ने बोला था तो बरिश्ता असदुद्दीन अवैसी ने बोला था। मेरे भाई, ये भाजपा सरकार और ये जितने भी नेता हैं दूसरे पार्टी को, ये सब मिलकर मुसलमानों को टारगेट करने का काम कर रहे हैं, दलितों को मारने का काम कर रहे हैं। इसलिए हमें आपको सोचना चाहिए। ये सरकार आपके वोट से बनती है, आप वोट देके सरकार को बनाते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जब लॉकडाउन ख़त्म होवे तो जो इलेक्शन आने वाले हैं, आप वो इन इलेक्शन में अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आप खुद सोचें, हमने जिसको वोट देकर जिताया है, आज ये महामारी में क्या हमारे साथ में खड़े हैं? क्या ऐसे मुसीबत के वक्त में, ऐसे संकट में आपके साथ खड़े हैं? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको अपना वोट बैंक मानते हैं। इनको मालूम है कि मुसलमानों का वोट खरीदा जा सकता है, इसलिए दूसरे कास्ट को खुश करने के लिए हम पे जुल्म होता है, और फिर भी हम इलेक्शन के टाइम पर हम उनको वोट देते हैं। ये हमारी नाकामी है। मेरा भाई, इस नाकामी को मत छुपाओ, इसको उजागर करो और बताओ समाज में कि हम बिकाऊ नहीं है, अब हम अपना वोट नहीं बेचेंगे। जब आप अपने वोट का सौदा करना बंद कर देंगे, आप इसी देश में सर बुलंदियों पर रहेंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करता हूँ मेरा भाई, कि कांग्रेस और भाजपा दोनों एक सिक्के के दो पहलू है, एक पॉइजन है, एक स्वीट पॉइजन है, और दोनों मारने का काम करती है। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 65 साल थे कांग्रेस ने आरएसएस को पाल पोस के बड़ा किया, जो आज आतंकवाद के रूप में हमारे देश में पनप रहा है, और दूसरा ये किया कि सिमी के नाम पर बेगुनाह मुसलमानों को आज भी जेलों में जो सड़ रहे हैं, उनके सरकारों में जो बंद थे, आज तक बाहर नहीं आए। ये दो चेहरे कांग्रेस के हैं, इसलिए आने वाले वक्त में आपको फैसला करना है कि वापस फिर भाजपा से मार खा के कांग्रेस को ला के मार खाना है, या ये दोनों को भगा के एक नया चेहरा लाना है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप दोनों को भगाना चाहते हो तो बरिश्ता असदुद्दीन अवैसी को मजबूत करो, वो देश के लिए काम कर रहा है, आप लोगों के लिए काम कर रहा है, और ऐसे संकट में आपके साथ खड़ा है। इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आप ऐसा जरूर करेंगे, आने वाले चुनाव में इनके मुंह पे तमाचा मारेंगे और अपना वोट ईमानदारी से दे के एक अच्छा लीडर चुनेंगे जो आपके कार्य का काम करे, आपके समाज के लिए काम करे। मैं अपनी बात इसी पे खत्म करता हूँ। जय हिंद।